गोरखपुर भाजपा के नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सहित 58 लोग सोमवार को कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो गई। नगर विधायक बिहार चुनाव प्रचार से लौटे हैं। वो रविवार को गोरखनाथ मंदिर के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एवं गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। हालांकि विधायक सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के संपर्क में नहीं आए थे, लेकिन कुछ विधायक व लोगों से मिले थे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित गोरखपुर व देवरिया के एक एक मरीज की मौत सोमवार को हुई है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में शहर के 35 वर्षीय व्यक्ति की रविवार को व देवरिया में विक्रमपुर निवासी 65 वर्षीय व्यक्ति की सोमवार को मौत हो गई। एक पुरानी मौत भी पोर्टल पर अपलोड होने से मृतकों की संख्या 306 हो गई। सोमवार को कोरोना संक्रमण के नमूनों की जांच में 635 नेगेटिव तथा 58 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसमें शहर के 18 व कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 9 मरीज हैं। लंबे समय बाद संक्रमितों की इतनी कम संख्या आने पर स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। इसके पहले 26 जून को 60 संक्रमित मिले थे। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि संक्रमण की रोकथाम के प्रयास और तेज कर दिए गए, शीघ्र ही ये जिला कोरोना मुक्त हो जाएगा। अभी तक जिले में 18,678 लोग संक्रमित हो चुके हैं, 306 की मौत हो चुकी है, 17,366 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, 1,006 एक्टिव मरीज हैं। नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने एहतियात के तौर पर सोमवार को एक निजी पैथोलॉजी में अपनी कोरोना जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, फिलहाल वे होम आइसोलेट हो गए हैं। उन्होंने मिलने जुलने वाले लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। पिछले 2 दिनों में वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएमओ ने कहा कि उनके संपर्क वालों की तलाश की जा रही है, सभी की जांच कराई जाएगी। संक्रमितों में बीआरडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरौली की एक एक महिला डॉक्टर व रुस्तमपुर के एक डॉक्टर भी शामिल हैं। एसएसबी का एक जवान भी संक्रमित मिला है। पिपीगंज बशारतपुर व नथमापुल में एक एक परिवार में 4-4 लोग पॉजिटिव आए हैं। रायगंज में अलग अलग परिवारों के 5 लोगों में संक्रमण मिला है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है।